मित्रों ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं सोमवार यानी कि 14 सितंबर 2020 का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग। हमारा जो भारतीय ज्योतिष पंचांग होता है वो होता है सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रयास्त पर आधारित। पंचांग एक संस्कृत का शब्द ही है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पांच अंगों से निर्मित, और वो पांच अंग होते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। इन्हीं पांचों चीजों से मिलकर हमारे पंचांग का निर्माण होता है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए हमें जरूरत होती है सही मुहूर्त की, सही समय की और सही नक्षत्र की। इन सभी चीज़ों की संपूर्ण और सटीक जानकारी हमें मिल पाती है पंचांग से। तो सोमवार 14 सितंबर 2020 के लिए मैं इन्हीं चीज़ों की संपूर्ण और सटीक जानकारी आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया में जय माता दी तो जरूर लिखें। मित्रों आज का पंचांग बताना आरंभ करूं उससे पहले शुभकामना उन लोगों को जिनका जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जिनका भी आज मैरिज एनिवर्सरी है ऐसे लोगों को मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माँ पार्वती की तरह अब दोनों जोड़ी हमेशा यूं ही बनी रहे। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आपके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं सोमवार यानी कि 14 सितंबर 2020 का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग। आज है विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, कली संवत 5122। माह रहने वाला अश्विन पक्ष, कृष्ण पक्ष, ऋतु शरद ऋतु। तिथि रहने वाली है द्वादशी। द्वादशी तिथि आज रात के 1:31 तक रहने वाला है, उसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पुष्य रहेगा। पुष्य नक्षत्र आज दिन के 3:52 तक रहने वाला है, उसके बाद अश्वलेश नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण आज रहने वाला कौलव। कौलव करण आज दिन के 2:30 तक रहने वाला है, उसके बाद तैतिल करण आरंभ हो जाएगा जो कि रात के 1:31 तक रहने वाला है। योग रहने वाला है परिघ। परिघ योग आज दिन के 1:50 तक रहने वाला, उसके बाद शिव योग आरंभ हो जाएगा। दिशाशूल पूर्व दिशा में रहने वाला है। पूर्व दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा ना करें, नुकसान यहाँ से आपको हो सकता है। शुभ खाद्य आज का कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन दर्पण देखकर यात्रा आरंभ करेंगे तो आपके कार्य आज बनेंगे। चंद्र राशि आज रहने वाले कर्क। कर्क राशि में चंद्रमा आज विराजित रहेंगे। व्रत और त्यौहार में आज है हिंदी दिवस। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति पर। सूर्योदय होगा सुबह के 6:05 पर और सूर्यास्त शाम के 6:26 पर। चंद्रोदय होने वाला है रात के 3:25 पर और चंद्रयास्त होने वाला है शाम के 4:32 पर। आज की शुभ चौघड़िया आप जान लेते हैं। तो आज का शुभ समय रहने वाला है दिन के 9:11 से लेकर 10:43 तक, और आज का चर समय रहने वाला है दिन के 1:48 से लेकर 3:21 तक, और आज का लाभ समय रहने वाला है दिन के 3:21 से लेकर 4:54 तक, और आज का अमृत समय रहने वाला सुबह के 6:05 से लेकर 7:38 तक। ये तो थी शुभ चौघड़िया की बात। आइए अब जानते हैं आज के राहु काल और उगलिक काल की स्थिति को। राहु काल आज रहने वाला है सुबह के 7:38 से लेकर 9:11 तक, और आज का उगलिक काल रहने वाला है दिन के 1:48 से लेकर 3:21 तक। राहु काल में कोई भी नया कार्य आरंभ बिल्कुल भी ना करें, ये एक अशुभ मुहूर्त होता है। गुलिक काल में आप कोई भी नया कार्य आरंभ कर सकते हैं, इसमें शुभ होता है। एक और शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, वो रहने वाला है दिन के 11:51 से लेकर 12:41 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य आप आरंभ कर सकते हैं। विजय मुहूर्त आज का रहने वाला है दिन के 2:20 से लेकर 3:09 तक, और आज का गोधली मुहूर्त रहने वाला है शाम के 6:14 से लेकर 6:38 तक। तो मित्रों ये था आज का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ, और देखते रहें धर्म शिक्षा। जय माता दी।